नमस्कार दोस्तों, आज की कथा बहुत ही रोचक है। एक गांव में एक गरीब किसान का परिवार रहता था। उसका नाम माधव था और वह अपनी पत्नी साधिका के साथ खेती करता था। उनकी एक छोटी सी बेटी थी रचना। माधव भगवान कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त था। एक दिन वह मंदिर गया तो रचना भी उसके साथ चली गई। मंदिर से वापस आने के बाद रचना ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मंदिर में जो मूर्ति थी उसने कितने अच्छे कपड़े पहने हुए थे। हम तो हमेशा फटे पुराने कपड़े पहनते हैं। दोस्तों, माधव ने कहा, बेटा, वे तो भगवान कृष्ण और राधा रानी की मूर्ति है। वहाँ मंदिर में तो बड़े बड़े सेठ बहुत सा पैसा दान में देते हैं जिससे भगवान की पोशाक बनाई जाती है। तभी रचना ने कहा, लेकिन पिताजी, भगवान के पास किस चीज़ की कमी है? अगली बार मैं दोबारा आपके साथ मंदिर चलूँगी और भगवान से हम सबके लिए अच्छे अच्छे कपड़े मांगूँगी। दोस्तों, तभी उसकी माँ उससे कहती है, अच्छा ठीक है, मांग लेना, अब बहुत देर हो गई है, सो जाओ। अगले दिन रचना अपनी माँ के साथ राधा कृष्ण के मंदिर पहुँच जाती है। अब रचना भगवान से कहती है, भगवान, हमें भी अच्छे अच्छे सुंदर कपड़े दो, गहने दो, खाने के लिए मिठाई और पकवान दो। आप तो मज़े से यह सब खाते हो लेकिन हमें तो कुछ भी नहीं मिलता। दोस्तों, तभी उसकी माँ ने रचना से कहा, बेटा ऐसा नहीं कहते, जो मिल रहा है हमें उसी में खुश रहना चाहिए। कुछ देर दोनों भगवान के सामने बैठकर घर वापस आ जाती हैं। इस तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं। इसी बीच एक सेठ जी मंदिर में आते हैं। सेठ जी पंडित जी से कहते हैं, पंडित जी, मैं भगवान कृष्ण के श्रृंगार के लिए यह रेशमी पटका और राधा जी के लिए यह रेशमी चुनरी लाया हूँ। साथ में सोने के गहने भी हैं, आप इनका श्रृंगार कर दीजिए, लेकिन ध्यान रहे, इसकी रखवाली करना आपकी जिम्मेदारी होगी। दोस्तों, पंडित जी कृष्ण जी और राधा जी के वस्त्र बदलकर नए रेशमी वस्त्र व गहने पहना देते हैं। कुछ देर बाद सेठ जी वापस चले जाते हैं और पुजारी जी पूजा करने में व्यस्त हो जाते हैं। इसी बीच साधिका और रचना दोनों मंदिर पहुंचते हैं। रचना अपनी माँ से कहती है, माँ देखो, कान्हा जी और राधा जी ने कितनी सुंदर पोशाक पहनी है, यह मुझे भी पहननी है। आप इनसे कहिए कि यह पोशाक कुछ देर के लिए हमें दे दें। तभी उसकी माँ कहती है, बेटा ऐसा नहीं बोलते, भगवान नाराज हो जाएंगे। रचना कहती है, माँ मुझे तो यही पोशाक चाहिए, राधा जी की चुनरी कितनी अच्छी लग रही है। दोस्तों, तभी पंडित जी कहते हैं, तुम दोनों यहाँ बैठकर क्या बातें कर रही हो, कहीं गहने और कपड़े चुराने की मंशा तो नहीं बना रही? तभी साधिका कहती है, नहीं पंडित जी, बच्ची है इसलिए जिद कर रही है, हम तो मंदिर में हर दिन पूजा करने आते हैं। तभी पंडित जी कहते हैं, चलो भागो यहाँ से, मैं सब कुछ समझता हूँ, सेठ जी ने गहनों की रखवाली करने की सारी जिम्मेदारी मुझे दी है। यह कहकर पंडित जी माँ बेटी को मंदिर से निकाल देते हैं। शाम को जब माधव घर वापस आता है तो साधिका उसे सारी बात बताती है। माधव कहता है, तू चिंता मत कर, मैं कल जाकर पंडित जी से खुद बात करूँगा। अगले दिन माधव, साधिका और रचना तीनों मंदिर पहुँच जाते हैं। वहाँ सेठ जी भी पूजा करने आते हैं। साधिका और रचना को देखकर पंडित जी सेठ जी से कहते हैं, सेठ जी, ये वही लोग हैं जो मंदिर में चोरी करने की योजना बना रहे थे। तभी सेठ जी कहते हैं, सुन बे माधव, आज के बाद तू यहाँ, तेरा परिवार इस मंदिर के आसपास भी दिखाई दिया तो तुझे गांव से बाहर निकलवा दूंगा। यह बात सुनकर माधव अपने परिवार के साथ घर वापस आ जाता है और साधिका जोर जोर से रोने लगती है। साधिका भगवान से कहती है, भगवान क्या सिर्फ अमीरों के हैं, हम गरीबों के लिए तो मंदिर भी बंद हो गए हैं। तभी रचना अपनी माँ से कहती है, माँ तुम चिंता मत करो, मैं अब कभी नए कपड़े नहीं मांगूंगी। दोस्तों, तीनों बिना खाना खाए सो जाते हैं। अगले दिन माधव खेत पर जाने के लिए तैयार होता है, तभी उसे एक आदमी बुलाने आता है। माधव अपने परिवार के साथ मंदिर पहुंचता है तो उसे पंडित जी बताते हैं कि राधा कृष्ण की जो रेशमी पोशाक थी वह काली पड़ गई थी।
उसे हटाकर अब दूसरी पोशाक पहनाई गई थी तो वो भी काली पड़ गई है। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लगता है भगवान हमसे नाराज हो गए हैं। दोस्तों, तभी रचना मंदिर के अंदर चली आती है। रचना भगवान से कहती है, भगवान जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे कारण आप नाराज़ मत होइए, मैं अब कभी आपकी पोशाक नहीं मांगूंगी। दोस्तों, तभी राधा जी की चुनरी रचना के ऊपर आ जाती है और वह रेशम की बन जाती है। यह देखकर सेठ जी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि कान्हा जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमने आपकी नन्ही भगत का अपमान किया। उसके बाद राधा कृष्ण जी के कपड़े और आभूषण पहले के जैसे हो जाते हैं। सेठ जी माधव से कहते हैं, माधव, आज से तुम्हारे परिवार का पूरा ध्यान मैं रखूंगा और इस बच्ची के लिए कपड़े, गहने और खाने पीने का सारा सामान मेरे घर से आएगा। यह सुनकर माधव और साधिका बहुत खुश होते हैं। साधिका कान्हा जी से कहती है, कान्हा जी ने स्वयं अपने वस्त्र हमें देकर हमारा जीवन धन्य कर दिया है। दोस्तों, उसके बाद से ही रचना और उसके परिवार को पूरे गांव में सम्मान मिलने लगता है। इस कथा के माध्यम से हमें यह पता चलता है कि भगवान अपने भक्तों को अपने से भी ऊपर रखते हैं और यदि उनके भक्तों का हृदय कोई दुखाता है तो भगवान उनसे नाराज़ हो जाते हैं और उनकी भक्ति को नहीं अपनाते। नमस्कार दोस्तों, इसके साथ ही हमारी आज की कथा यहीं संपन्न होती है। और सुंदर कथाओं के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।